रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। कहने को है बात कई, मैं एक बात परवाता हूँ। कश्मीर का दर्द यहाँ मैं टूटे दिल से गाता हूँ। कश्मीर का दर्द यहाँ मैं टूटे दिल से गाता हूँ। जिस धरती को स्वर्ग बताया दुनिया के आकाओं ने, जिस धरती को स्वर्ग बताया दुनिया के आकाओं में, देश की माटी की खुशबू है जिसकी पाक फिजाओं में, देश की माटी की खुशबू है जिसकी पाक फिजाओं में। फिर क्यों जलते समझौते हैं चौराहों और गलियों में, क्यों होती हैं हीन दिशाएं कश्मीर की गलियों में, क्यों होती हैं हीन दिशाएं कश्मीर की गलियों में। बच्चों की किलकारी बदली देशद्रोह की गाली में, बच्चों की किलकारी बदली देशद्रोह की गाली में। क्यों क्रंदन की शोक सभा है फूलों वाली घाटी में, क्यों क्रंदन की शोक सभा है फूलों वाली घाटी में। कहने को है बात कही, फिर एक बात पर आता हूँ। कश्मीर का दर्द यहाँ मैं टूटे दिल से गाता हूँ। कश्मीर का दर्द यहाँ मैं टूटे दिल से गाता हूँ। कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बोला जाए, कहा जाए, कम पड़ जाए। अभी कुछ समय पहले हमारे बहुत बड़े अभिनेता ने कहा था कि हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। सुना होगा आप सभी ने असहिष्णुता के बारे में। बात, हमें आज़ादी चाहिए। भैया कौन सी आज़ादी चाहिए आप लोगों को? आज़ाद भारत में रह रहे हैं आप, आज़ादी चाहिए। और आज़ादी कौन मांगता है? 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता, 90,000 सैनिकों को पकड़ा था हमने और ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद भी कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। तब मैंने लिखा कि कहने को चर्चा होती है दिल्ली के अखबारों में, कहने को चर्चा होती है दिल्ली के अखबारों में। खबरों की लाचारी लगती है अपने अखबारों में, खबरें भी बाजारू लगती हैं अपने अखबारों में। शब्द नहीं बचते हैं कहने के लिए जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वे बातें करते हैं अब तो आज़ादी के बारे में, छोड़ा था जिनको हाँ हमने अपनी ही खुददारी में, छोड़ा था जिनको हाँ हमने अपनी ही खुददारी में। शिमला समझौता हो या फिर राजधानी की संधि हो, शिमला समझौता हो या फिर राजधानी की संधि हो, या दरबारों में बेशर्म समर्पण की वो पंक्ति हो, या दरबारों में बेशर्म समर्पण की वो पंक्ति हो। वो बातें करते हैं हमारे बारे में वो लोग। मैं आपको बताऊं कैसा लगता है भारत में रहकर उनके मुंह से हमारे लिए सुनना। सिंहों के जंगल में जैसे हाँ गीदड़ रूपी सत्ता हो, सिंहों के जंगल में जैसे गीदड़ रूपी सत्ता हो, सिंहों के जंगल में जैसे गीदड़ रूपी सत्ता हो। गुलशन की घाटी में जैसे बंदूकों की बेला हो, गुलशन की घाटी में जैसे बंदूकों की बेला हो। आखिरी पढ़ूंगा वही अपने असहिष्णुता वाले विषय पर। ईद के एक दिन पहले सुबह सुबह हमारे कश्मीर के एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। उसी शाम औरंगजेब नाम के एक सैनिक को उसके घर पहुंचाया जाता है। उसकी माँ ने जब उसको देखा होगा तो क्या कहा होगा कि बेटा तू एक ईद के एक दिन पहले आया है इस हालत में? क्या जवाब दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे पोतों को? तब मैंने लिखा था इसके बारे में, मैंने ऐसा लिखा कि सत्ता के चक्कर में हमने अपना शीश झुकाया है, सत्ता के चक्कर में हमने अपना शीश झुकाया है। सेना के अधिकारों को हमने निर्वस्त्र कराया है, सेना के अधिकारों को हमने निर्वस्त्र कराया है। त्योहारों का मौसम भी अब बागी होना दिखता है, त्योहारों का मौसम भी अब बागी होना दिखता है। अधिकारों की पीड़ा का जब शोषण होता दिखता है, अधिकारों की पीड़ा का जब शोषण होना दिखता है। हत्या हो जाती है राहों पर जनगणमन के राही की, हत्या होती है राहों पर जनगणमन के राही की। बेटों की अर्थी पर पलती खूनी वाली घाटी की, बेटों की अर्थी पर पलती खूनी वाली घाटी की, बेटों की अर्थी पर पलती खूनी वाली घाटी की। मैं आखिरी दो पंक्तियां पढ़ूंगा, उस माँ का दर्द बयां करूंगा, शायद मैं ना कर पाऊँ, मैं शायद उस माँ का दर्द बयां ना कर पाऊँ, बस कोशिश की है कि उन दो पंक्तियों में उनको समेट लूँ मैं। हत्या होती है राहों पर जनगण मन के राही की, हत्या होती है राहों पर जनगण मन के राही की। बेटों की अर्थी पर पलती फूलों वाली घाटी की, उस माँ की आंखों का पानी झेलम जैसा सूख गया, उस माँ की आंखों का पानी झेलम जैसा सूख गया। बेटे की यादों का दस्ता पल भर में सब टूट गया, बेटे की यादों का दस्ता पल भर में सब टूट गया। थैंक यू गाइस, इट्स माई प्लेजर टू रिसाइट अ पोएम ऑन अ सच स्टेज वेयर लव एंड अफेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू विच आर कंसिडर्ड टू बी एज अ टॉपिक। इट्स माई प्लेजर टू रिसाइट सच अ पोएम ऑन सच एन क्रूशियल इशू एंड थैंक यू फॉर हैविंग द टाइम ऑफ योर्स। थैंक यू।
Watch the latest comedy, music and poetry videos only on Nojoto app. Download the app now.